अब जी बात आई कि हमने लाइफ साइकिल्स याद करने, टीडिया सेजिनेटा और टीडिया सोलिनी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने कर ली है, अब हमने याद करने हैं इनके लाइफ साइकिल्स। तो लाइफ साइकिल्स याद करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, एक स्पेसिफिक जगह से स्टार्ट कर लेते हैं हमेशा लाइफ साइकिल को। तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं ह्यूमन से। तो अब ह्यूमन्स इन द केस ऑफ दिस टीडिया सेजिनेटा एंड टीडिया सोलिनी इन बोथ ऑफ देम द ह्यूमन्स दे आर द डेफिनेटिव होस्ट। ये बात हमने पहले ही कर ली है कि डेफिनेटिव होस्ट जो है वो ह्यूमन्स है, और ह्यूमन्स की इंटेस्टाइन के अंदर ही ये इसके जो एडल्ट टेपवर्म्स हैं वो इसमें है। अब एडल्ट टेपवर्म्स दो चीज़ें रिलीज कर रहे होते हैं, या तो ये एग्स रिलीज कर रहे हैं विद द ह्यूमन फीसेस, द एग्स आर द प्रोग्लॉटिड्स। जो प्रोग्लॉटिड्स हैं इसके ये जो सेगमेंट्स की हमने बात की थी, ये पूरे पूरे सेगमेंट्स भी आ जाते हैं फीसिस से बाहर, और एग्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अब बाहर आ गए एनवायरनमेंट में, ये एनवायरनमेंट में आ गए हैं। अब एनवायरनमेंट में जो अब एनिमल्स जो घूम फिर रहे हैं, तो वाइल्ड ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो अब अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट टीनिया सेजिनेटा। तो आपकी जो काउज हैं, बफलोज हैं, वाइल्ड ग्रेजिंग दे कैन टेक अप दिस एग्स एंड प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, दे कैन टेक द एग्स एंड प्रोग्लॉटिड्स जो है जी, ये अब काउ में एंटर हो गए। अब काउ में एंटर होने के बाद ये वहाँ पे हैच हुए और लीवर में चले गए, लीवर से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले गए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से वो फिल्टर हुए और जी अल्टीमेटली उनके मसल्स में चले गए। अब मसल्स में जाकर इन्होंने एक अपनी शक्ल बदली, और यहाँ पे इनका एक नया नाम है, ये जो टर्म है इसको बोलते हैं, चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, अब क्या कह सकते हैं, बड़े फजूल फजूल किस्म के सर्कल्स होते हैं मसल्स, ये सिस्ट्री सर्कस बॉविस बोलते हैं इसको, या इनको प्लूरल में सिस्टी सर्काई भी बोलते हैं। ये सिस्टी सर्काई जो होते हैं ये जरा यूं करके फ्लूइड फिल्ड होते हैं, और इनके अंदर स्कोलेक्स जो होता है ये इन्विजिनेट किया हुआ होता है, ये इस तरह के होते हैं। और अब ये होते किधर है, अब ये इसके मस्कुलर टिश्यू के अंदर होंगे, ये मस्कुलर टिश्यू के अंदर अब आपके ये सिस्टी सरकाए जो है ये उसके अंदर चले। ये बने कैसे ये सिस्टी सरकाए, यहाँ पे पहले ज़रा याद कर लें कि ये जो आपका टीनिया सेजिनेटा का एग था ये किस तरह का था। तो टीनिया सेजिनेटा का जो एग था ये इस तरह का था जी, ये इसके अंदर एक ऑनकोस्फियर है, ये बाहर वो एम्ब्रियो फॉर्म में है, ये रेडियली स्ट्राइएटेड इसका एक आउटर बॉर्डर है, और ये अंदर थ्री पेयर्स ऑफ हुकलेट होते हैं, ये इसके अंदर हमेशा थ्री पेयर्स ऑफ हुकलेट होते हैं, और ये थ्री पेयर्स ऑफ हुकलेट जो है ये इसके ऑनकोस्फियर में होते हैं, इसको ऑनकोस्फियर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पता होना चाहिए इनकी शेप्स का प्रॉफ में, एक एक नंबर प्रॉफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पता नहीं कब समझ आती है आप लोगों को इस बात की। तो ये असल में दीज आर दी थ्री पेयर्स ऑफ द हुकलेट्स, तो थ्री पेयर्स का मतलब ही टोटल सिक्स होते हैं। ये बहुत दफ़ा वाइवा में इस तरह आ जाता है तो फिर बच्चों को समझ नहीं आती कि यार क्या कह रहे हैं, और इसीलिए इसका एक और भी नाम होता है, इसको बोलते हैं हेक्सा केंथ एम्ब्रियो, हेक्सा मीन्स सिक्स। तो ये ऑनकोस्फियर में थ्री पेयर्स ऑफ हुकलेट्स हैं, ऑनकोस ये अंदर वाला सारा ऑनकोस्फियर है, और ये जो सराउंडेड होता है इसको एम्ब्रियो फोर कहते हैं, ये प्रैक्टिकल कॉपी में बनाए हुए होंगे यार आप लोगों ने वहाँ से देख लें। तो ये एग जब ह्यूमंस डेफिनेटिव होस्ट से एग्स और प्रोग्लॉटिड्स रिलीज हुए, एग जो है वो ग्रेजिंग जो है भी घूम फिर रहे हैं, काउज बफलोज उन्होंने टेकअप कर लिए, तो वो एम्ब्रियो फोर ब्रेक हुआ, तो उसमें से क्या निकला, ऑनकोस्फियर निकला। तो ऑनकोस्फियर जो उसमें से निकला है अब वो अल्टीमेटली ब्लड के थ्रू फिल्टर होकर मसल्स में चले गए हैं, और वहाँ पर ऑनकोस्फियर जो दे आर नॉट चेंज्ड इनटू द एन अदर स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड सिस्टी सर्कस, सिस्टी सर्कस बॉविस बोलते हैं इसको। अब ये ह्यूमन से हम शुरू हुए थे और हम काउस बफलोस के अंदर पहुँच गए, अब ये ह्यूमन्स को हमने करना है जी दोबारा इन्फेक्ट। तो ह्यूमन दोबारा इन्फेक्ट कैसे होंगे, अब ये मसल काउ और बफलो के मसल्स के अंदर सिस्टी सर्कस बॉविस है, तो जो अंडर कुक्ड मीट है, ये जो अंडर कुक्ड मीट है ये तो बड़ा स्टेके खा रहे होते हैं जाकर 1800-1800 रुपये की एक एक बोटी जो खा रहे होते हैं हम अजीब अजीब किस्म के इटालियन रेस्टोरेंट्स में जाकर, अच्छी होती है हमेशा वैसे ही। तो अंडर कुक्ड बीफ जो है, अंडर कुक बीफ के अंदर क्या है जी, ये सिस्टी सर्कस। अब अंडर कुक बीफ जब ह्यूमंस ने खाया तो क्या हुआ कि ये अंडर कुक बीफ था, इसके अंदर सिस्टी सर्कस बोविस है, गया ह्यूमन में, ह्यूमन की जब स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ पे हेड हैच हुआ, ये जो स्कोलेक्स था ये स्कोलेक्स बाहर निकला,
चार इसके ऊपर जी आपके सकर्स हैं और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच कर गया, वहाँ पे जाके जी प्रोग्लॉटिड्स बनने शुरू हो गए और फिर साइकिल में भी कंटिन्यू। ठीक है जी, सो लाइफ साइकिल ऑफ द टीनिया सेजिनेटा इज वेरी सिंपल। डेफिनेटिव होस्ट आर द ह्यूमंस, इंटरमीडिएट होस्ट आर द काउस एंड बफलोज। शुरू कर लेते हैं ह्यूमन से, बिकॉज द एडल्ट इस होल एडल्ट टीनिया सेजिनेटा इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस, और ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके प्रोग्लॉटिड्स या इसके एग्स जो है दोनों एट द सेम टाइम, प्रोग्लॉटिड्स भी होते हैं फीसिस में और एग्स भी होते हैं, वहाँ से काउस एंड बफलोज ने अब वो जो फीसिस जिधर भी अभी एनवायरमेंट में और तो काउस और बफलोज ने अब उनको खा लिया है और उनके मसल्स में जाकर ये सिस्टी सर्कस ब्रोविस बन गया है और ये अब इनके मसल्स का जो आपका ये मीट है बीफ वो अंडर कुक बीफ जो कि प्रॉपरली कुक नहीं हुआ हुआ वो अब जब हम खाएंगे तो ये सिस्टी सर्कस का ये स्कोलेक्स बाहर निकल आएगा और ये ह्यूमंस में हमारे जाके वो दोबारा से वो लंबा सा हो जाएगा और वो बन जाएगा सारा का सारा। देखो इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पुराने सीनियर एग्जामिनर्स कभी कभी आगे पूछते तो उर्दू में कहते हैं तो मुझे तो खुद ही पता होता था, फिर कभी किसी ने बताया था कि इनको कद्दू कीड़े कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर कॉल्ड कद्दू कीड़े, मे बी ये जो प्रोग्लॉटिड्स है ना ये इसी ऐसे होते हैं प्रोग्लॉटिड्स, तो शायद जो कद्दू के बीज होते हैं ना मेरा ख्याल उनकी शक्ल इस तरह की होती है, तो ये कभी कभार ना ये पूछ लिया जाता है, ये एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, और सिर्फ ये नहीं कि थर्ड ईयर के एग्जाम में पूछी जाती है, जिंदगी में जब भी कहीं भी आप नौकरियां लेने पाकिस्तान में जाएंगे ना तो वो वहाँ जो बैठे हुए होते हैं प्रोफेसर मिशन वाले में वो उनको ये कीड़े बढ़ाते हैं पता नहीं और कुछ आए ना आए उनको ये बढ़ाते हैं, पैरासाइट्स का बड़ा पता होता है। ठीक है जी, तो ये आपका जो लाइफ साइकिल है ना ये आपका हो गया किसका, टीनिया सेजिनेटा। अब टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम का भी जी आगे से मिलता जुलता ही होता है, टीनिया सोलियम का अब क्या होता है इसी में कर लेते हम जी। टीनिया सोलियम है, ये है आपका पॉर्क ट्रेक, तो शुरू इसको भी ह्यूमन से कर लेते हैं क्योंकि ह्यूमन है यहाँ पे डेफिनेटिव, और उसी तरह ही इसके ह्यूमंस के अंदर उसमें अभी ये चार सकर्स हैं, एक अंदर हुकलेट्स का साइकिल है और ये लंबा सा नीचे अभी सारा आपका जो है ये ट्रेपा में ह्यूमन के इंटेस्टाइन है, एज यूजुअल वही ह्यूमन के इंटेस्टाइन में से क्या रिलीज हो रहे हैं एनवायरमेंट में, एग्स है और प्रोग्लॉटिड्स, एग्स भी आ गए और प्रोग्लॉटिड्स भी आ गए जी एनवायरमेंट में। अब ग्रेजिंग फील्ड में जो आपके पॉर्क हैं उन्होंने इनको टेक ओवर कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह पॉर्क के मसल्स में जाकर आपके जो हैं वो सिस्टी सर्काएँ बन रहे हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो पिछले वाले लाइफ साइकिल में हमने बनाए थे ये सिस्टी सर्काएँ, सिस्टी सर्काएँ तो क्या है जी आप अपने अपने स्पेलिंग को दी सिद्ध करो जी। ठीक है जी, तो प्रोग्लॉटिड्स में ये सिस्टी सर्काएँ बन गए हैं इसमें, और अब ये जो अंडर कुक्ड पॉर्क का गोश्त होगा उसी तरह जब ह्यूमंस खाएंगे तो उनमें साइकिल कंटिन्यू। पर यहाँ गेम फर्क है, यहाँ पे इशू है, व्हाइल इन द टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा में जो डिजीज हो रही है इट इज ओनली कॉल्ड टीनियसिस, दोनों में ही होगा, टीनियसिस इज हल्का फुल्का न्यूट्रिशनल इशू, सम डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, बट इन द केस ऑफ टीनिया सोलियम टीनियसिस तो होगा, सिस्टी सर्काएँ जो बन रहे हैं यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म की डिजीज है जिस कॉल्ड सिस्टी सर्कोसिस, ये हो जाती है, तो टीनिया सोलियम में होती है, टीनिया सेजिनेटा से नहीं होती। अब ये सिस्टी सर्कोसिस जो है ये कैसे हो रहा है, ये जो एग्स है ना ह्यूमंस आर द डेफिनेटिव होस्ट एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस, ये आपके ये बड़े में ये सारे जो टीनिया सोलियम के आपका जो वर्म है और एग्स और प्रोग्लॉटिड्स रिलीज हो रहे हैं, दे आर टेकन अप बाय द पॉर्क ऑफ इन द ग्रेजिंग फील्ड, एट द सेम टाइम जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर है उससे ये जो एग्स हैं ये दोबारा ह्यूमंस के अंदर भी अगर जाते हैं तो दे कैन कॉज सिस्टी सर्कोसिस, ये चीज़ बीफ ट्रेपम में नहीं है, हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली तो बीफ ट्रेपम टीनिया सेजिनेटा के जो एग्स हैं वो भी तो खा सकते हैं ना ह्यूमंस, लेकिन वहाँ पे कोई इशू नहीं होता, बट ये जो पॉर्क ट्रेपम टीनिया सोलियम के जो एग्स हैं ये एक्सीडेंटली अगर ह्यूमंस उनको इंजेस्ट कर लें विद कंटेमिनेटेड फूड और वाटर तो ये वाला सारा साइकिल अब ह्यूमंस के अंदर भी हो जाता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। अंडर कुक्ड बीफ खाने से सिर्फ टीनियसिस होगा, अंडर कुक बीफ से टीनियसिस होगा, सिस्टी सर्कोसिस नहीं होगा, क्योंकि टीनियसिस में वो जो सिस्टी सर्काएँ हैं वो जाके
स्मॉल इंटेस्टाइन में उस कॉलेक्स बाहर आ जाएगा और वो लंबा सा बम बन जाएगा। लेकिन इधर क्या है कि जब एग्स जाएंगे ह्यूमंस के अंदर तो क्या होगा कि ह्यूमंस के मस्कुलर टिश्यूज के अंदर भी ये सिस्टिसरकाई बन जाए। तो दिस इज अ वेरी ग्रेव इशू। अब वो सिस्टिसरकोसिस इट फॉर्म्स द स्पेस ऑक्यूपाइंग ग्लियंस एंड स्पेशली दी स्पेस ऑक्यूपाइंग ग्लियंस इन द ब्रेन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सीटी स्कैन करते हैं अमूमन तो मुझे पता लगता है कि जी स्पेस ऑक्यूपाइड ग्लियंस है। पेशेंट को हेडेक हो रही होगी, वॉमिटिंग होगी, सीजर्स होंगे, फिर उसकी आईज में इन्फेक्शन हो सकती है, आईज में भी उसके इन्फेक्शन हो सकती है, यूवीआइटिस हो सकता है, विट्रस उसके ह्यूमन में लार्वा जो है वो भी घूमता फिरता नजर आ सकता है। पर प्लीज़ इसको लोवा लोवा के साथ कन्फ्यूज नहीं करना, उसमें भी वो घूमता फिरता आंखों में नजर आता है। सो दिस इज टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनेटा। इन द टीनिया सेजिनेटा इन्फेक्शन, टीनिया सेजिनेटा की जो हमारी इन्फेक्शन थी इधर गई थी हमारी टीनिया सेजिनेटा की इन्फेक्शन, ये है जी टीनिया सेजिनेटा। तो टीनिया सेजिनेटा में द इशू इज ओनली टीनियासिस, व्हाइल इन द टीनिया सोलियम there will be teniasis by eating the undercooked pork meat, while if the humans will get infected by the eggs which are released through the human feces into the environment, if they are accidentally again ingested by the humans, तो उससे humans में भी cysticercosis से cysticercosis हो सकता है, या सुपरपाइलिजन बिल्कुल उसी तरह इस तरह होता है। अब जितना हमें समझ आई है उतना का आप भी समझ लें। आसान नहीं है भाई, आसान तो कुछ भी नहीं है भाई, इजी नहीं रहना इसको।